हेलो हाय नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपका एक बार में फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि लास्ट 5 ईयर्स में पाकिस्तान के लोगों में से 7,000 लोगों ने, माना कि 7,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। मतलब कि वो लोग यहाँ आकर एज एन इंडियन रहना चाहते हैं और यहीं पर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में भी लोग आकर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं यहाँ की। और जैसे कि इंडिया के लोग तो बाहर जाते हैं, कोई कनाडा जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई यूके जाता है, तो ऐसे ही पाकिस्तान के लोग हमारे इंडिया में आकर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो ये वाकई में बहुत 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 प्राउड वाली बात है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान वालों के क्या व्यूज हैं, जो पता लगता है कि वहां के लोग इंडिया में आकर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उनके क्या रिएक्शंस आते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो देखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो, इतना गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो के जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स के वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। इंडिया में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद के बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। मेन चीज़ आती है आपका खाना दो टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है दो टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको दो टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रोटिज्म कहाँ पर जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, पिछले 5 सालों में 7,000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर नहीं समझ रहे जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि 7,000 लोगों ने अप्लाई किया है फॉर दिस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी, मेरे ख्याल में ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे प्रोफेशनल्स लोग होंगे। ठीक है, और आपके सामने ही है पाकिस्तानी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। आप बिज़नेस की तरफ जाते हो, सर्विस की तरफ जाते हो, आईटी, आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो, इतना गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो के जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स के वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इंडिया में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद के बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाएंगे ना, वो रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया में जो मिलनी चाहिए? नहीं, वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा और वो इसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि वो इंडिया में जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अगर मौका मिले कभी इंडिया जाने का, तो आप जाना चाहेंगी रहने के लिए या वक्ती तौर पर विजिट के लिए? विजिट के लिए जाना चाहूंगी, रहने के लिए नहीं। जीशान, 7,000 पाकिस्तानियों ने पिछले 5 सालों में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? क्या पाकिस्तानियों को अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे जब ये बात सुनने में आई है तो मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सच एनवायरनमेंट फॉर द यूथ टू गो फॉर द सच अपॉर्चुनिटीज़। लाइक हमारा जो अब देखें, इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है, दे आर वर्किंग फॉर द फ्रीलांसिंग एज वेल, दे आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, दे आर लीडिंग द नेशन टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी हुकूमत है उसमें अगर हम उसको देखें तो वो इसमें जो हमारी यूथ है उसको बेचारे को डिप्रेस किया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान अंडर डिवेलप कंट्री है और यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया है अगर उसके साथ खुद को कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमी वाइज हम काफ़ी पीछे हैं उससे। ठीक है,
कुछ भी वजह हो सकती है इनकी, हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ जब आज़ादी के टाइम जो हुआ था 1947 में आज़ादी हुई थी, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सरमायाकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से इतना ग्रो नहीं कर पाया पाकिस्तान अब तक। तो मेन इशू जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है, ठीक है। यहाँ पे जॉब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि पाकिस्तान में इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत लैक कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में नहीं है। लाइक आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक घर है वहाँ पे 6 अफराद हैं, 1 कमाने वाला है, 10 खाने वाले, 5 बाकी खाने वाले हैं। होना क्या चाहिए कि 3-4 को ऑलमोस्ट काम करना चाहिए, ताकि बेसिकली जब हर कोई बंदा काम करता है तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा होता है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई होंगी कि बाहर के मुल्क में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा करेंसी एक्सचेंज का भी है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह नज़र आ रही है? पहले पाकिस्तानी भागते थे दुबई, अमेरिका, कनाडा, अब वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं। हालांकि बहुत दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलता है, ख़बरें भी सुनने को मिलते हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं वो महफूज नहीं हैं। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया? आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन जो है ना, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है पाकिस्तानियों की नस्बत। इसलिए उनका मेरे ख्याल से मेन मोटिव ये हो सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेके बढ़ चले जाएं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए। उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, और जो उन्होंने उधर जाके एज अ पाकिस्तानी काम करना था, इंडियन एज अ इंडियन काम करने से उनको इनकम भी ज़्यादा मिल जाएगी और जॉब भी ईजीली मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे कि यहाँ पर हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हमारा ब्रॉटअप यहाँ पर, हमारे बाबा अजदाद यहाँ पर हैं, और हम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले जहाँ दूसरे मुल्कों में जाते थे, अब हम सारे मुल्क में जाने को तैयार हैं? मेन चीज़ आती है आपका खाना 2 टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है 2 टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रियटिज़म कहाँ पे जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं सीए जो पाकिस्तान से करके इंडिया गए हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उधर प्रेफरेंस मिलती है सीए करके। आप बाहर चले जाएँ, आप सीए करके बाहर जाते हैं, जो इंडियन जाएगा ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी पाकिस्तानी की नस्बत। आपको अगर इंडिया से कोई ऑफ़र आती है, या आप वैसे इंडिया जाकर विजिट करना या रहना पसंद करेंगे? माइंड तो मेरा टूरिज्म का है, वैसे विजिटिंग के लिए जा सकता हूँ, लेकिन फॉर कैरियर पर्पज़ वहाँ पर नहीं मैं जाऊँ। सर, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हम ना इंसाफ़ी कर रहे हैं? मतलब हम यहाँ पर रहते हैं, ब्रॉटअप हमारा यहाँ पे होता है, हम एजुकेशन यहाँ से हासिल करते हैं, उसके बाद हम पहले दुबई, अमेरिका निकलते थे, और अब हम इंडिया निकल रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान में जब भी आपके पास थोड़ा सा भी शऊर आ जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में जितने भी बाशऊर लोग हैं वो फिर बेहतर है पाकिस्तान, इसी वजह से तो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है, ठीक है। जिस बंदे को पता है कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे किसी जगह पे फैसिलिटेट हुकूमत कर नहीं रही है, तो उसने यहाँ पे क्या करना है? इवन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप, जैसे आपने मेंशन किया दुबई का या US वगैरह, UK का, ठीक है, वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 30-40% तो आप अपना टैक्स के लिए पे कर रहे हो, सही है। लेकिन स्टिल आप लोग वहाँ पे, मतलब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे पाकिस्तानी कितने लोग जा रहे हैं, मेरे काफ़ी ज़्यादा जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे वो मूव कर गए यहाँ से, मजबूर हैं, क्या करें, आपके सामने हमारी पॉलिसीज हैं। इवन दो आप ये देख लें कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट हैं वो कुछ बोल रहे हैं, हमारी हुकूमत जो है वो कुछ बोल, इवन हमारी हुकूमत के अंदर 4-4, 5-5 लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कुछ हम कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पे, फ्यूचर सिक्योर है किसी का यहाँ पे? क्या आपने बात की कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी आने वाली यूथ का, हमारी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बेहतर है? नहीं, पाकिस्तान में स्कोप बहुत है, ठीक है, अगर, लेकिन उसके लिए मसला ये है कि आपको करप्शन आनी चाहिए। अगर आप करप्शन कर सकते हैं फिर पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है। सो गाइज,
सुना आप लोगों ने कि कैसे मतलब पाकिस्तान वाले लोग क्या सोचते हैं कि वो वहां से क्यों निकल रहे हैं और इंडिया की सिटीजनशिप क्यों लेना चाहते हैं, मतलब कि वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी कंट्री में सबसे ज्यादा करप्शन है एंड अगर वहां पर कोई अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहता है, अच्छा खासा कमाना चाहता है तो उसको करप्शन आना चाहिए। अगर उसको करप्शन आता है तो ही वो सब चीज हासिल कर सकता है जो उनको चाहिए वहां रहने के लिए। एंड हाँ, हमारे इंडिया तो वैसे भी हमारे इंडिया में तो पूरी फैसिलिटीज हैं और यूथ को प्रायोरिटी पे रखा जाता है हमारे यहाँ पर, तो कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो इतनी एडवांस हो कि कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे यहाँ की इकोनॉमी अच्छी रहे, हमारे यहाँ का ग्रोथ अच्छी होती रहे, कि आजकल की जनरेशन को एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी हो चुका है कि लोग मतलब अभी पढ़ रहे होते हैं बट उनको ये होता है कि वो अपना खर्चा पानी खुद निकाले। अगर वो यही सोच से भी आगे बढ़ते हैं तो वो अपने टाइम से पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं और पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है हमारे इंडिया में कि आजकल के बच्चे शुरू से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको कैसे अर्न करना है। और बात रही फ्रीलांसिंग तो एक ऐसा करियर है कि आप घर बैठे बैठे ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हो एंड अच्छी बात है कि इसमें हमारी हमारी यूथ आगे निकल रही है एंड हमारे यहाँ पर आकर लोग सिटीजनशिप ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्राउड वाली बात ही क्या हो सकती है। तो मतलब हमारा इंडिया कितनी अच्छी तरक्की, कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है कि लोग यहाँ आकर रहना चाह रहे हैं। तो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।